वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो लेकिन आपको है वो प्रॉपर वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आज तक आपने कभी किया नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको 3 स्टेप ऐसे बताने वाला हूँ, मात्र 3 स्टेप के अंदर आप लोग है वो वीडियो एडिटिंग बहुत ही आसान और इजी तरीके से कर पाओगे। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या सूचना देना चाहता हूं कि जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको पीसी है या लैपटॉप है उसके अंदर आपके कैमटेशिया नाम से आप गूगल पे सर्च कर लोगे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है तो आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहला स्टेप यही है कि आपके पीसी के अंदर है वो कैमटेशिया है वो इंस्टॉलेशन किया होना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले 10th क्लास का रिजल्ट आ गया है, जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा है, अच्छा रिस्पांस रहा है उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और जिन बच्चों का रिजल्ट है वो खराब रहा है या ड्यू रहा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कागज की डिग्री है वो आपका भविष्य है वो निर्धारित नहीं कर सकती। तो मेहनत करते रहिए। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो मैंने आपको बता दिया है। अब सेकंड स्टेप, ध्यान रहे वीडियो बीच में स्केप मत करें, कंटिन्यू देखें। कंटिन्यू देखोगे तभी आप है वो वीडियो एडिटिंग सीख पाओगे और बहुत ही इजी तरीके से। फिर भी आपके कोई डाउट रहता है वीडियो एडिटिंग नहीं सीखने में, या मान लो मैं कोई ऐसा टॉपिक छोड़ दूं जो आपको नहीं बता पाता हूं पूरा वीडियो एडिटिंग में, क्योंकि वीडियो मैं बनाऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पूरा सॉफ्टवेयर का आपको पूरी डिटेल दूंगा, तो फिर भी आपके कोई कन्फ्यूजन या डाउट रहता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन के अंदर जाके शेयर कर सकते हो और मैं उसका रिप्लाई है वो आपको तुरंत दूंगा। देखते हैं, तो आज का वीडियो स्पेशल मेरे सब्सक्राइबर के लिए है। बहुत से लोगों के कमेंट और मुझे स्पेशली फ़ोन करके भी बोला गया है कि आप वीडियो एडिटिंग पर एक वीडियो बनाएं जिससे वो लोग भी वीडियो एडिटिंग सीख सके जिनको वीडियो एडिटिंग नहीं आती। तो आज उनकी खास, तो जिन सब्सक्राइबरों की कमेंट आई है उन सब की फरमाइश पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो वीडियो को है वो शेयर कीजिए ताकि और लोग है जो वीडियो एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो एडिटिंग है वो सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो एडिटिंग है वो सीखते हैं। तो फर्स्ट नंबर स्टेप मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपके पीसी के अंदर है वो कैमटेशिया है वो इंस्टॉलेशन किया होना चाहिए। गूगल पे आप जाके सर्च कर सकते हो, यदि सीधा आपको चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो कैमटेशिया के अंदर मैंने बता दिया दोनों वर्जन मिल जाएंगे आपको, फ्री में चलाना चाहो तो फ्री वर्जन मिल जाएगा, यदि पेड वर्जन चलाना चाहो तो आपको पेड वर्जन भी मिल जाएगा। तो चलिए कैमटेशिया से वीडियो एडिटिंग सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको वो वीडियो इसके अंदर इंपोर्ट मीडिया के अंदर ऐड करना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मान लो डेस्कटॉप पे मेरा एक वीडियो है जिसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, ठीक है। सपोज़ ये वीडियो मान लीजिए मैंने इसको मीडिया के अंदर है वो ओपन कर लिया है, तो ये ओपन होते समय 2 मिनट 4 मिनट जितना भी टाइम ले उतना लेगा, जितना बड़ा वीडियो होगा उतना टाइम लेगा। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो को लाइन पे लेके आ जाऊँगा, और ये ग्रीन इफ़ेक्ट है वो भी आप हटाना चाहते हो तो वो भी मैं बताऊँगा आपको, तो पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, सपोज़ आप मेरी तरह अकेले इस वीडियो शूटिंग कर रहे हो, तो जैसे मान लो मैं यहाँ से कैमरा ऑन करके यहाँ तक आ गया आया, तो आप इतना वीडियो है वो कट करना चाहते हो यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में माउस का लेफ्ट है वो क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये वाला डिलीट वाला, ऊपर वाला नहीं करना है आपको, नीचे वाला करना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो डिलीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में मान लो आपका ऑडियो है वो सही नहीं आ रहा है, ऑडियो को आपको थोड़ा बढ़ाना है तो आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऑडियो एडिट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप ऑडियो को तेज कर सकते हो, जितना तेज आप करना चाहो।
तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखो अभी ये नीचे है तो ऑडियो कैसे आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको ऊपर लेता हूँ तो ऑडियो वो बढ़ जाएगा। तो देखिए है ना, तो इस हिसाब से आप है वो अपना ऑडियो बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। और कभी बार क्या हो जाता है, हम लोग जैसे ही वीडियो एडिटिंग करते हैं उस समय हमारे रिकॉर्डिंग के अंदर नॉइज़ आ जाती है। नॉइज़ का मतलब पीछे से ऐसी कुछ आवाज़ें आ जाती है जिनको हम हटाना चाहते हैं। जैसे घर पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो या सिटी में कहीं भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा नॉइज़ आ ही जाता है पीछे से, गाड़ियों का हॉर्न जो भी, आपको उसको हटाना चाहते हो नॉइज़ को, तब आपको यहाँ पे मोर पे आना है और ऑडियो इफ़ेक्ट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको नॉइज़ रिमूव, इसको है वो अपने वीडियो में ले जाके छोड़ देना है। तो यहाँ से आपके ऑडियो के अंदर जितनी भी नॉइज़ है वो सारी की सारी हट जाएगी। मान लो आपको बीच में से कहीं वीडियो कट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो यहाँ से आपको वीडियो कट करना है इतना, तो यहाँ पे आपको आना है। जैसे यहाँ पे आप इसको पकड़ के ऐसे करोगे फिर आपको क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक है वो करना है और वो यहाँ पे डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट करोगे तो पिछला वाला ऑडियो वो ऑटोमेटिक टच हो जाएगा, और डायरेक्ट डिलीट पे करोगे तो टच नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप मान लो कि इसके टच में दूसरा वीडियो करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने ये वीडियो ऐड किया और ठीक इसके पीछे ले जाके है वो टच कर दिया, तो ऐसे आप है वो एक वीडियो से एक क्लिप बनाई है आपने वीडियो की या दो क्लिप बनाई है उनको आपस में है वो ऐसे सेट कर सकते हो। और इनके बीच में भी आप कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है और यहाँ पे आप कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे इफ़ेक्ट। जैसे मान लो ये इफ़ेक्ट है तो ये इफ़ेक्ट मैं यहाँ पे लाके और यहाँ मेरे वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो जैसे ये देखो अगला जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगा तब ऐसे जो इफ़ेक्ट है वो शो होगा, ये देखिए। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब आपको मान लो कि म्यूज़िक लाना है तो भी आप इसके अंदर म्यूज़िक ला सकते हो। कैसे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि नीचे जो फर्स्ट ट्रैक है उसके अंदर है म्यूज़िक आ सके। तो आप कोई भी म्यूज़िक उठा के यहाँ पर डालोगे तो वो म्यूज़िक है इसके साथ बजेगा। तो म्यूज़िक की आप वॉल्यूम कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, जैसे मैंने ये ऑडियो किया है, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको कोई लोगो लगाना है या अपनी फ़ोटो लगानी है तो आपको इंपोर्ट करना है। जैसे मेरा लोगो मिल जाएगा डाउनलोड के अंदर, तो आपको पूरा दिखा दूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे मेरा ये वाला लोगो है तो आप वीडियो के अंदर लगाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे लाके इस लोगो को रख दिया, ठीक है। तो ये मेरा लोगो है वो इसके अंदर है वो शो होगा। अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये नीचे आ गया, लेकिन जैसे मैं इसको ऊपर लूँगा तो ये शो हो जाएगा, ये देखिए। और आप पूरे वीडियो के अंदर इस लोगो को दिखाना चाहते हो तो आप पूरे वीडियो के अंदर इस लोगो को दिखा सकते हो। कैसे, वो दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये लोगो मैंने लगा दिया यहाँ पे और लोगो की जो पोजीशन है वो सही सेट कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लोगो को यहाँ से पकड़ के पूरे वीडियो पे करना है तो ये पूरे वीडियो पे लोगो रहेगा। देखिए ये देखिए पूरा वीडियो चलेगा तो लोगो पूरे वीडियो के ऊपर रहेगा। अब बात करते हैं म्यूज़िक की। जैसे आपको कोई भी म्यूज़िक ऐड करना है इसके अंदर तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये म्यूज़िक है, ये मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो मैं इसको यहाँ पे, सॉरी ये ऊपर आ गया लेकिन हमें नीचे लाना है इसको सबसे लास्ट में। तो इस म्यूज़िक को आपको लेना है, लेके अपने यहाँ नीचे ही नीचे लाना है। तो मैं म्यूज़िक को लाया यहाँ रखा और वो म्यूज़िक है वो आप दे सकते हो। कैसे दोस्तों, देख करिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो म्यूज़िक मैंने लिया है वो मैं नीचे नीचे ले आता हूँ, ये देखिए ये रहा, ठीक है। अब मैं वीडियो प्ले करूँगा तो साथ में म्यूज़िक बजेगा। तो ऐसे आप कर सकते हो।
ऑडियो पीछे बैकग्राउंड में ऑडियो देना चाहते हो तो ऑडियो दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल है, आप बहुत सारे इफ़ेक्ट दे सकते हो इसके अंदर। अपनी जो स्पीड है वो भी यहाँ से बढ़ा सकते हो कि अपने को स्पीड है वो कैसे बढ़ानी है। चलिए तो अब मैं बताता हूँ आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कैसे हटाते हैं वीडियो के अंदर एडिटिंग करते समय। तो मेन बात विशेष करके आपको ध्यान रखनी है कि आपके पीछे है वो ग्रीन पर्दा है वो होना चाहिए। तो जैसे ही आपके पीछे ग्रीन पर्दा होगा तो आप आराम से है पीछे का बैकग्राउंड हटा के नया बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो चलिए सीखते हैं। तो मैं इस ऑडियो को हटा देता हूँ ताकि मैं बैकग्राउंड हटाऊँगा तब बैकग्राउंड वाली फ़ोटो लगाऊँगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हटाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आना है मॉडिफाई के अंदर। जैसे आप मॉडिफाई में आओगे तो ऐड इफ़ेक्ट नाम से दिखाई दे रहा है, उसके सामने ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ठीक लास्ट लास्ट में आपको नीचे नीचे दिख रहा होगा रिमूव एक कलर, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिमूव का जो ऑप्शन है कलर का वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, डायरेक्ट यहाँ से कलम उठानी है और जो आपका पीछे का बैकग्राउंड है उस पर क्लिक करना है। थोड़ा बहुत यहाँ धब्बे रह जाते हैं तो उसको आप ऐसे हटा सकते हो। ये देखिए हटा दिया। तो अब आप है वो पीछे अपने है वो बैकग्राउंड है वो दे सकते हो। कैसे तो देखिए वीडियो के अंदर। अब आप कोई भी फ़ोटो है जो आप बैकग्राउंड के अंदर देना चाहते हो, ठीक है, तो चलो मान लो कोई भी एक फ़ोटो मैं ले लेता हूँ। मान लो ये फ़ोटो है, इसको आप पीछे बैकग्राउंड में देना चाहते हो तो यहाँ आपको इस फ़ोटो को उठाना है और पीछे बैकग्राउंड में लाना है और इससे आप है वो अपने बैकग्राउंड के अंदर ये फ़ोटो दे सकते हो। तो ऐसे आप है वो अपने वीडियो के अंदर बैकग्राउंड है वो चेंज कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। और उसके बाद कैमटेशिया के अंदर आप कोई भी फाइल सेव करना चाहते हो, जैसे मान लो ये वीडियो मैंने पूरा एडिट कर दिया, उसके बाद में आपको फ़ाइल सेव करनी है तो यहाँ पे आप जाओगे और लोकल फाइल के अंदर सेव करोगे। यहाँ पे आप फाइल को देना जो भी आप अपने हिसाब से क्वालिटी देना चाहते हो वो क्वालिटी दे सकते हो। तो मैंने जैसे 1080 कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। फाइल को यहाँ पे नाम देना है, जैसे आप नाम दे के नेक्स्ट करोगे तो वो फाइल है उसी नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप भी एक बार ट्राई करें। और आपको नाम वगैरह कुछ भी लिखना है, जैसे आप यहाँ पे नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नाम का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ मान लो आपको नाम लिखना है तो यहाँ पे आप लाके यहाँ पे इस पर नाम लिख सकते हो। और नाम लिखने के बाद में यहाँ पे आप कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो यहाँ से आप वो कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे देखो मैंने कलर चेंज कर दिया। फॉन्ट को आप बड़ा करना है फॉन्ट को आप बड़ा कर सकते हो, कम करना है कम कर सकते हो। तो बहुत ही सरल है दोस्तों। और भी बहुत सारे ऐसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका भी आप यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर यदि आप चाहते हो, जैसे मान लो आपका वीडियो स्टार्टिंग में किस तरीके से आए तो वो भी आप सेटिंग है वो यहाँ से कर सकते हो। तो ये दिख रहा होगा आपको, तो इस हिसाब से ये इफ़ेक्ट आप यहाँ पे उठा के रखोगे तो वीडियो आपका ओपन ऐसे ही होगा। ये देखिए, तो ऐसे आप है वो बहुत सारे इफ़ेक्ट है यहाँ पे देख सकते हो, उनमें से आप कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हो। अब जैसे मान लो आपको ओपनिंग वीडियो बनाना है तो कैमटेशिया में खुद के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं जिससे आप है ओपनिंग वीडियो बना सकते हो। जैसे देखिए, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर भी। जैसे आपको वीडियो स्टार्ट करना है ऐसे, तो मैं यहाँ पे इसको उठा के ले आऊँगा और वीडियो स्टार्टिंग जो टाइम होगा वो टाइम इसके अंदर सेट हो जाएगा। तो इन सब को मैं एक बार हटा देता हूँ और ये यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे लाया तो अब वीडियो को मान लो मुझे अब स्टार्ट करना है यहाँ पे, और इसके बीच में आप कोई म्यूज़िक देना चाहते हो तो म्यूज़िक भी दे सकते हो। कैसे तो देखिए वीडियो को, तो मैं यहाँ पे आता हूँ म्यूज़िक ट्रैक पे और कोई भी एक म्यूज़िक ले लेता हूँ। जैसे मैंने ये म्यूज़िक ले लिया, ठीक है, म्यूज़िक को भी आप
छोटा कर सकते हो, जैसे मैं इस म्यूजिक को छोटा कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे पूरा पूरा आ जाए। ठीक है, तो मैंने ले लिया इसको और यहाँ पे इसको सेट कर दिया। तो अब क्या होगा, इसको प्रॉपर सेट कर दिया मैंने। अब देखिए, आप खुद देखिए वीडियो के अंदर क्या हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग वीडियो हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हो, जिससे वीडियो बहुत ही आपका अच्छा लगेगा, देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो इस हिसाब से आप वो सेट कर सकते हो ओपनिंग वीडियो। वैसे बहुत सारे इसके अंदर आपको ऑप्शन और मिल जाएंगे, और भी वीडियो है बहुत सारे, जिनमें से आपको जो बेटर लगे वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और तो लगभग मैंने आपको बता दिया है। अब उस फोटो की जगह आप ये वाला देना चाहो अपने वीडियो के पीछे, तो ये भी आप अपने बैकग्राउंड में दे सकते हो। देखिए, ये देखिए, तो ऐसे आप है वो अपना वीडियो एडिट कर सकते हो, जो देखने वाले आपके होते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो की जगह आप ऐसे फ़ोटो के स्लाइड भी चला सकते हो वीडियो एडिटिंग में। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक बार आप खुद ट्राई करें, और कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि ये आपको ये दिक्कत आ रही है, तो मैं उसका समाधान या आपको रिप्लाई ये वो तुरंत दूंगा। तो बहुत ही ईजी है, तब जब आप ट्राई करोगे तभी आप सीख पाओगे, वरना आप नहीं सीख पाओगे। मान लो कोई चीज़ आपको क्रॉप भी करनी है, तो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हो। तो ये क्रॉप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्रॉप का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे तो उस चीज़ को आप क्रॉप कर पाओगे। देखो, मैंने अपनी फ़ोटो क्रॉप कर दी, ये वापस ला रहा हूँ। तो ऐसे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर चेक करें अपने पीसी या लैपटॉप में, कैमटेशिया डाउनलोड करें। आपको बता दूं मैं, कैमटेशिया है वो आपको फ्री वर्जन भी मिलता है और पेड वर्जन भी मिलता है। तो आप अभी सक्षम नहीं हो ख़रीदने में, तो आप वो पेड वर्जन भी यूज ले सकते हो। और सबसे बड़ी खासियत है कैमटेशिया में रिकॉर्डिंग, तो इससे आप वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। और भी है, जैसे मान लो आपको कोई अपना लोगो है वो फीका दिखाना है या कुछ करना है। जैसे सपोज ये मेरे वाला लोगो है, मैंने इसको फुल कर दिया, इसको आप थोड़ा सा फीका करना चाहते हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, 100% किया हुआ। तो इसको आप जैसे कम करते जाओगे तो वो लोगो है फीका होता जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि आपको फीका करना है या ज़्यादा करना है, डार्क करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए आगे बात करते हैं। और फिर आपको मोर पे जाना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट दिखाई देंगे, उन इफ़ेक्ट्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो ये इफ़ेक्ट है, ये आप अपने वीडियो में लगाते हो तो क्या होता है, आप खुद देखिए। तो ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जिनका आप यूज़ है वो कर सकते हो। तो और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं आपको नज़र आ रहे होंगे, और आप इन्हें यूज़ में ले सकते हो। जैसे ये लैपटॉप वाला है, जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो बहुत सारे इफ़ेक्ट है, आप इनका यूज़ कर सकते हो। और कलर रिमूव है वो यहाँ से भी आप कर सकते हो। ऑडियो की स्पीड बढ़ानी है तो भी यहाँ से आप वो बढ़ा सकते हो। और ये सारे आपको इफ़ेक्ट मिल जाएंगे, आपको जो भी अपना इफ़ेक्ट यूज़ करना है, स्लाइड बनाने के लिए भी आप इनका है वो काम में ले सकते हो। और फ़ोटोओं से भी आप ऐसा वीडियो यहाँ पे बना सकते हो। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम आए वीडियो एडिटिंग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका उसको समाधान
कर पाऊँ। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, बीच में से आपको कहीं भी लगे कि वीडियो यहाँ पे मुझे कट करना है या हटाना है तो यहाँ से आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, तो वीडियो डिलीट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, और जो लास्ट अपना स्टेप है 3 स्टेप, वो यहाँ पे आपको सेव करना है फाइल को, आप जो भी अपनी क्वालिटी में लेना चाहो यहाँ पे नाम दे देना है और सेव कर देना है। थोड़ी सी रेंडरिंग चलेगी 5 मिनट की या 6 मिनट की, ज़्यादा समय नहीं लेगी, वो डिपेंड करता है कि आपका वीडियो है वो कितना बड़ा है। तब बहुत ही ईजी तरीके से आप है वो अपने डेस्कटॉप के अंदर वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग करना कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, तो आप आराम से कर सकते हो, तो आप ट्राई करिए। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उसका रिप्लाई है वो तुरंत दूंगा, तो मुझे आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो कितना इजी है, कैसा लगा आपको वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। यदि मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।